स्विच के बाद में अब हम देखते हैं लूप। सी प्लस प्लस में लूप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लूप होता क्या है। देखिए, लूप का मतलब क्या होता है कि जब गोल गोल हम घूमते रहते हैं, जैसे इस तरह से मान लो, ठीक है, ये लूप हो गया। या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि गोल गोल घूमते रहेंगे इसके अंदर। अब ये तो क्या है, बिल्कुल इनफाइनाइट लूप हो रहा है। एक लूप ऐसा हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके ऐसे यहाँ निकल जाएगा बाहर, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो लूप का मतलब ये होता है। लूप क्या काम में आता है, एक लूप है वो हमें स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको बार बार एग्जीक्यूट कराने के काम में आता है। जब भी हमें कोई काम है वो एक से ज़्यादा बार करवाना है, तो अगर बिना लूप की हेल्प के हम प्रोग्रामिंग में करेंगे तो हमें उस कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। बार बार लिखने से क्या होगा कि एक तो प्रोग्रामर है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर प्रोग्रामर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो उसको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी उससे। फिर जब कंप्यूटर के ऊपर इतना कोड लिख दिया तो वो कोड की साइज़ भी ज़्यादा हो गई, तो कंपाइलर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, प्रोसेसर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पर भी अगेन हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसके अंदर, रैम के अंदर भी ज़्यादा स्पेस लगेगी, तो हर तरीके से वो कॉस्टली पड़ेगा। तो उसको सस्ता करना, उसको आसान करने का तरीका यह है कि लूप बना देंगे। लूप में क्या होगा कि वो लूप है उस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, उसको कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोड को एक बार ही लिखेंगे हम। अब लूप है वो इस तरीके से कुछ काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तब तो क्या होगा, यहाँ लूप से बाहर निकल जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तब जब हमें कोड एग्जीक्यूट करवाना है उस कोड को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। फिर कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद में वापस इसके अंदर कंडीशन चेक होने के लिए जाएगा। तो कंडीशन चेक होने से पहले यहाँ पर हम नॉर्मली इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ये हम करेंगे। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन वही बनी रहेगी, तो हर बार वैल्यू तो कुछ ना कुछ चेंज होगी, और अगर इनफाइनाइट लूप है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये इस तरह से कुछ लूप काम करता है। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हर बार कंडीशन ट्रू रहेगी तब तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह से लूप काम करता है। अब लूप्स है वो हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है व्हाइल लूप। व्हाइल में क्या होता है, जो स्टेटमेंट्स है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है वो बार बार रिपीट होंगे। अगर व्हाइल के अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो ट्रू होगी तो इसमें क्या होगा, व्हाइल सबसे ऊपर रहेगा और फिर उसके नीचे सारा कोड रहेगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद में कंडीशन ट्रू है तभी वो कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें करना है उसके बाद में वापस कंडीशन चेक करेंगे। एक होता है फॉर लूप। इसके अंदर भी सेम वही व्हाइल वाला प्रोसेस है, पर व्हाइल के अंदर क्या होता है कि कंडीशन चेक करने का कोड अलग लिख रहे हैं, इंक्रीमेंट का अलग लिख रहे हैं, इनिशियलाइज अलग जगह कर रहे हैं। लेकिन फॉर लूप के अंदर क्या होता है, फॉर लूप में एक जगह ही सारा काम हो जाता है। कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, यहाँ पर कंडीशन सेमीकोलन, और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो एक स्टेटमेंट के अंदर ही तीनों काम हो जाएंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक करना और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर आता है डू व्हाइल लूप।
डू वाइल लूप में देखिए, अब डू वाइल और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। वाइल में हमने क्या देखा, सबसे पहले टॉप पर क्या रहता है, कंडीशन चेक करना। अगर कंडीशन ट्रू है तभी हम लूप के अंदर एंट्री करेंगे, अगर शुरू में कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लूप में जाएंगे नहीं। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर गए नहीं, जीरो बार एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि वाइल जो आता है जिसमें कंडीशन चेक होती है वो सबसे नीचे होता है, वो डू के अंदर पूरा ब्लॉक जो एग्जीक्यूट कराना है वो ऊपर होता है। तो अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गई तो भी क्या होगा, कंडीशन तो सबसे लास्ट में जाके चेक कर रहे हैं, पहले तो हमने काम कर दिया तो एक बार तो वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो वाइल और डू वाइल में ये डिफरेंस है कि डू वाइल के अंदर काम पहले कर देंगे, कंडीशन बाद में चेक करेंगे। फिर नेस्टेड लूप भी आता है। नेस्टेड का मतलब होता है नेस्ट, घोंसला। तो इसमें घोंसले की तरह क्या होता है, एक के अंदर एक दूसरे लूप फंसे हुए होते हैं, लूप के अंदर लूप चलता है। तो वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम नेस्टेड लूप्स भी हम काम में लेते हैं। और इसके अंदर फोर के अंदर फोर लूप भी हो सकता है, फोर के अंदर वाइल लूप भी हो सकता है, वाइल के अंदर फोर लूप भी हो सकता है। और सिंपल जो लूप होता है उसमें क्या, जैसे एरे बनाते हैं तो उसके लिए काम में आ सकता है, वन डायमेंशन के लिए। अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है, टेबल बनानी है, तो उसमें क्या होगा, 2D लूप आए, 2D आएगा तो दो लूप आ जाएंगे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अगर 3D करना है तो फिर एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरा, तीन लूप हो जाएंगे नेस्टेड। अब लूप्स के साथ में हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट तो हमने स्विच में भी देखा है, ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है। अगर आपने लूप के अंदर लगा दी तो लूप को टर्मिनेट कर देगा, स्विच के अंदर लगाया तो स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा। और एग्जीक्यूशन है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, इमीडिएटली उसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। अब ब्रेक होता है, वैसे ये कंटिन्यू भी होता है। अब इनमें देखिए मेन डिफरेंस देखिए, ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकल जाता है, स्विच से बाहर निकल जाता है, ठीक है, लूप से बाहर ही निकल गया बिल्कुल। कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू के नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, नीचे वाले सारे स्टेटमेंट्स नहीं, जिस ब्लॉक के अंदर कंटिन्यू लिखा है, अगर आपने फोर लूप के अंदर लिखा है तो उस लूप के अंदर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं जो कंटिन्यू के नीचे लिखे हैं उनको हम स्कीप कर देंगे, उनको छोड़ देंगे और वापस कहाँ चले जाएंगे, कंडीशन चेक करने के लिए। यहाँ लूप से बाहर नहीं निकल रहे कंटिन्यू में, हम हैं तो लूप के अंदर ही, लेकिन कंटिन्यू के नीचे वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने स्कीप कर दिया है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। फिर गो टू स्टेटमेंट भी आता है। गो टू में क्या करते हैं, हम एक लेबल रहता है तो एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए। वैसे नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर हम बहुत ही कम या फिर इसको नहीं काम में लेना ही प्रीफर करते हैं, गो टू स्टेटमेंट हम कभी काम में लेते नहीं हैं। इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप में जैसे मैंने बताया, अगर कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है, फॉल्स कभी हो ही नहीं रही, तो हम क्या लूप के अंदर ही घूमते रहेंगे, वो इनफाइनाइट लूप हो जाता है। तो आप ये प्रोग्रामिंग में करके देख सकते हो, कंडीशन है उसको हमेशा ट्रू रखेंगे तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा।